आज बनाएंगे हम जामुन पॉप्सिकल। तो जामुन का सीजन चल रहा है, मार्केट में जामुन काफी आ रहे हैं, तो पॉप्सिकल बनाना तो बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिए हैं जामुन। तो जामुन को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, 2 से 3 बार हम इनको पानी में डाल के अच्छे से वॉश कर लेंगे। और इसके बाद हमें इसका पल्प निकालना है, तो गुठलियाँ हमें अलग करनी होगी। इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तो धीरे धीरे जैसे भी आप चाहें, बीच में से कट करके भी या फिर चारों तरफ से मैंने इसका जो पल्प है सारा निकाले और गुठलियाँ अलग कर दिया है। और इसके बाद हम इसको एक पेस्ट बनाना है हमें इसको। तो हम इसे मिक्सी जार में डाल के कुछ मसाले डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर डाला है, काला नमक, लेमन जूस हम इसमें डालेंगे, और इसमें डालेंगे हम चीनी। चीनी मैंने यहाँ पे 1/4 कप लिया है, तो इतने जामुन में इतनी चीनी काफ़ी है, क्योंकि ये जो पॉप्सिकल है थोड़ा खट्टा मीठा ही अच्छा लगता है। और रियली में जामुन खाना और जामुन के पॉप्सिकल्स तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बचपन में भी हम इसके ऊपर काला नमक डाल के खाया करते थे। तो जब ये थोड़ा अच्छे से पिस जाए, तो इसमें हम पानी ऐड कर देंगे 1 कप, जिससे कि एक ये स्मूथ सा पेस्ट बन जाए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला भी ना रहे। तो ये हमारा परफेक्ट टेक्सचर बन चुका है। तो इसके बाद हम आइसक्रीम, हमें पॉप्सिकल्स बनाने हैं, तो उसके लिए मैंने ये ले लिए हैं आइसक्रीम क्यूब्स, और इसमें मैं जो पेस्ट हमने बनाया है वो इसमें डाल देंगे। तो बच्चे जामुन इतने नहीं खाते, लेकिन पॉप्सिकल अगर मिल जाए ना, तो इनको तो छोड़ते ही नहीं है। तो मेरे यहाँ तो ये मैंने काफ़ी सारे बन गई थी एक बारी में, 7 से 8 बन गई थी। और अगर जामुन बोला जाए तो वो नहीं खा पा रहे थे, लेकिन पॉप्सिकल्स तो बिल्कुल बचे ही नहीं, एक दिन में ही बच्चे सारे खा गए। तो ये रियली में बहुत सिंपल और टेस्टी रेसिपी है, और बच्चे बड़े, और ये फ़ायदा भी बहुत करते हैं जामुन, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे पेट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, क्योंकि अभी तो जामुन का सीज़न भी चल रहा है, गर्मियों में तो ये काफ़ी फ़ायदा करता है। तो ये देखिए, ये पेस्ट इतना, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी बन गए हैं, 7 से 8 मेरी पॉप्सिकल्स बन गई हैं, और इसको हम फ्रीज कर देंगे 7 से 8 घंटे के लिए। तो यही 7 से 8 घंटे हो चुके हैं, अच्छे से मैंने इनको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। तो अब देख लेते हैं हमारे पॉप्सिकल कैसे बन के रेडी हुए हैं। तो हमारे पॉप्सिकल अच्छे से बन के रेडी हो चुके हैं। तो आप भी एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, और बताइएगा कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।